आपके समर्थक आपके साथ में है, कैसे महसूस? तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि वो तो 4 तारीख को ही पता चल जाएगा कि महसूस किया। आपको बड़े लेट टिकट मिला है और समय भी नहीं है कि लोगों तक पहुंच पाए। कोई, मैं पहली बार प्रतापगढ़ में नहीं, मैं यहीं का रहने वाला लोकल हूँ। जो लोग बाहर से हैं आप उनसे पूछिए, मुझे यहाँ पे 95% लोग जानते हैं और मैं हर कार्यक्रम में शिरकत करता हूँ। उनसे ये अपील है कि आप सुबह उठिए, वोट करिए, बहन जी को मजबूत करिए और प्रतापगढ़ को आगे, प्रतापगढ़ का सम्मान वापस लौटाने में उसका सब लोग साथ दीजिए और 4 तारीख को बहन जी को मजबूत करके। भैया जहाँ पहुँचेंगे जहाँ नहीं पहुँचेंगे वो उनका वोट फिक्स रखा हुआ है, वो उनको दे दिया जाएगा। हाँ, समीकरण बसपा का वोट फिक्स है, ब्राह्मण लोग साथ में। अब समीकरण कहाँ देख रहे हैं आप? मुसलमान हमारे साथ में, आप कहाँ समीकरण आप देख रहे हैं? आप देखिए समीकरण। तो मतलब आपके समर्थक आपके साथ में है, कैसे? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सबसे पहली बात तो ये है। और महसूस तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि वो तो 4 तारीख को ही पता चल जाएगा कि महसूस क्या कर। एक प्रश्न ये बनता है कि आपको बड़े लेट टिकट मिला है और समय भी नहीं है कि लोगों तक पहुंच पाए। कोई, मैं पहली बार प्रतापगढ़ में नहीं, मैं यहीं का रहने वाला लोकल हूँ। जो लोग बाहर से हैं आप उनसे पूछिए, मुझे यहाँ पे 95% लोग जानते हैं और मैं हर कार्यक्रम में शिरकत करता हूँ। तो बसपा के जो साथी हैं या बसपा के साथ में जो उनका नीतियों को मानते हैं उनके लिए क्या अपील है आपसे? मैं उनसे ये अपील है कि आप सुबह उठिए, वोट करिए, बहन जी को मजबूत करिए और प्रतापगढ़ को आगे, प्रतापगढ़ का सम्मान वापस लौटाने में उसका सब लोग साथ दीजिए और 4 तारीख को बहन जी को मजबूत करके यहाँ पे आप लोकतंत्र कायम कीजिए। एक 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 क्वेश्चन होगा कि जो मजबूत पार्टियां हैं, भाजपा भी है और सपा भी इस समय मैदान में है, तो इससे कुछ असर पड़ने वाला है? कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। मैं अपना यहाँ पे चुनाव, मैं अपना चुनाव लड़ने आया हूँ, अपने मुद्दे पे हूँ मैं, मुझे दोनों से कोई लेना देना नहीं। तो आप अभी जो फूड सेक्टर है या और भी लोग हैं, मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश है? क्या कहना? आप जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत कम समय है, तो मेरे चैनल के माध्यम मैं सब जगह पहुँचूंगा और मेरी जो जनता मुझे फोन कर रही है और बोल रही है, मैं आपके साथ तन मन धन से हूँ, आप लड़ते रहिए। मैंने संकल्प कर लिया है कि आपको इस बार सांसद बना के भेजना है। जी, जैसे आपने सुना प्रत्याशी मेरे साथ, उन्होंने अपनी बात रखी, उनके समर्थकों से बात करेंगे। तो सर आप इनके समर्थन में हैं, आप आए हैं इनके समर्थन में, यहाँ की जनता को देखकर आप, प्रतापगढ़ की जनता को देखकर इनके समर्थन में आप क्या लग रहा है कि यहाँ पर कैसा चुनाव होने वाला है? चुनाव चुनाव तो क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है और प्रथमेश 2024 4 तारीख को देखना, विजय जो है बसपा का ही होएगा लोकसभा में, इसका कोई रोक नहीं पाएगा। और रही बात कार्यकर्ता की, बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं अपना तन मन धन लेकर के पूरा जुटे हैं, सेक्टर से लेकर के बूथ तक लोग लेकर के डटे हुए हैं। इनको लेट नहीं आए, यहीं के रहने वाले हैं और इसकी कोई चिंता नहीं करना है, लोग विरोधिया चिंता करें। जी, तो जैसे समर्थक भी मेरे साथ, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी सारी बातें की हैं। तो अब ये नामांकन का समय हो चुका है, आप नामांकन के लिए जा रहे हैं, नामांकन के बाद आप आते हैं, क्या माहौल रहता है? लेकिन उसके साथ में अब हम आम जनता से बात करेंगे जो उनके समर्थन में आए हैं, उन लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि उनके मन में क्या है। तो भाई साहब कहाँ से आप लोग? हम प्रतापगढ़ जिले से हैं, मढ़ौरा गांव ढकुआ बाजार से आए हुए हैं। तो बहन जी के साथ में आप लोग कब से जुड़े हुए हैं? बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से। जैसे बहुत बहुत लेट उनका नाम घोषित हुआ, अब आप प्रथमेश जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो मेहनत अंदर से हम मजबूत हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, हम उनको जिता कर छोड़ेंगे। अरे मुझे ये बताइए, पार्टियाँ तो है, अरे तो क्या हुआ, बहुत पार्टियाँ भारत देश पे, बसपा ज्यादा कौन बड़ी पार्टी है? बसपा ज्यादा पार्टी कोई नहीं है। नहीं, अच्छा ये आम इंसान की बात है, आम इंसान की बात है, आम इंसान, अगर आम इंसान चाह लेगा तो वो सब कुछ कर सकता है, और भी लोगों से मिलेगा, उनसे बातें करेंगे। क्या करें, आप युवा हैं, यहाँ पर रैली में आ रहे हैं। भैया सुनिए, बसपा का जो वोट बैंक है वो फिक्स है, रत्नेश भैया जहाँ पहुँचेंगे जहाँ नहीं पहुँचेंगे वो उनका वोट फिक्स रखा हुआ है, वो उनको दे दिया जाएगा, वो पहुँचे या ना। अगर समीकरण की बात करें, आप युवा पढ़े लिखे हैं तो क्या उतने वोट से प्रवेश जी जी सकते? भैया समीकरण कहाँ है? समीकरण बसपा का वोट फिक्स है, ब्राह्मण लोग साथ में। अब समीकरण कहाँ देख रहे हैं आप? मुसलमान हमारे साथ में, आप कहाँ समीकरण आप देख रहे हैं? आप देखिए समीकरण। तो मतलब आपको लगता है कि प्रथमेश जी चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, जीतेंगे। देखिए समर्थकों का हुजूम तो रहता है, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे, मौके पहुंचे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में हैं, तो
प्रदेश हमारी बात हो जाएगी। प्रदेश जी आप आए हैं यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष जी कैसे आप महसूस करेंगे कि यहाँ प्रदेश जी को भारी मतों से विजय मिल? कार्यकर्ताओं को उत्साह से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कितने मतों से जीते उन्हें। समय समय कम था, इस समय को लेकर समय का कोई बाध्यता नहीं होती है, बीएसपी की तैयारी बहुत पहले से कर रही है। जैसा कि आप देखिए कि समय हो गया है नाम, देखिए जब किसी चुनाव की रैली में लोग आते हैं तो जो जुनून तो रहता ही है, लेकिन बात ये करेंगे क्या वो चीजें बरकरार है, लगातार उनके दिमाग में ये चीजें हैं, किस वजह से वो बसपा को वोट करते हैं, हाथ में झंडा है, कहाँ से हैं आप, कौन से ब्लॉक से हैं? रामपुर। रामपुर से हाथ में बसपा झंडा लेके आए हैं, रैली में आए हैं, यह हकीकत में वोटर है या फिर आज की रैली में आए हैं? रैली में। रैली में वोटर, वोट किसको करते हैं? मायावती करते हैं। चलो जानकारी है कि आप मायावती कोटे में हैं। आप लोग भैया यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि इतना कम समय में कैसे जीत पाएंगे प्रदेश? अरे बहुत से वोट से जिताएंगे हम लोग। कैसे जिताएंगे? अरे जिताएंगे ऐसे कि जो मूर्ख सरकार चल रही है हम लोग को गरीबी नहीं देख रही है, हम लोग परेशान हैं। यहाँ प्रजन में भाजपा के सांसद भी हैं, सपा के बड़े प्रत्याशी भी हैं, वो लगातार दो महीने तीन महीने से फील्ड में जा भी रहे हैं, प्रथमेश जी को अभी टिकट मिला, अब कैसे ये तो हो सकता है वो जाए जाए जहाँ जाए, लेकिन हम लोग को तो हाथी है, हाथी चुनाव निशान है, हाथी जिता के रहेंगे हम लोग। हाथी चुनाव निशान है, आप लोग हाथी को देख रहे हैं कि प्रथमेश जी को देख रहे हैं? नहीं प्रथमेश जी को देख रहे हैं। प्रथमेश जी को देख रहे हैं और मैंने हाथी को देख रहे हैं जी। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो एक कैडर वोट होता है वो बसपा का कैडर वोट तो हमेशा प्रकार रहता है, क्यों भैया? आप लोग हमेशा ये देखते हैं कि बहन जी ने किसको चुनाव पे दिया है, या बहन जी को देखते हैं कि बहन जी ने हमें कहा है कि वोट करें? हम लोग प्रत्याशी का जात पात नहीं देखते हैं, हम लोग खाली झंडा देखते हैं, हाथी का निशान, हाथी का निशान। हाँ। तो क्या लगता है प्रतापगढ़ की जनता क्या करने वाली है? क्योंकि बहन जी सर्व समाज के नेता है, वो झंडे का निशान नहीं देखते हम लोग। बहन जी की ऐसी कौन सी नीतियाँ जो आपको अच्छी लगी और आप जुड़े हुए? बहन जी अनपढ़ों को भी नौकरी दिया है, अनपढ़ को भी नौकरी दिया है बहन जी ने। बहन जी के ऐसे मुकाबले पे कोई कैडर के नेता है नहीं, कोई पार्टियां नहीं है। अच्छा, और क्या किया है बहन जी ने? बहन जी ने बहुत काम किया है, जो कि सम्मान लोगों को काम, गरीबों को बढ़ा। अब हाँ, तो आम इंसान की अगर बात करें तो आम इंसान के लिए बहन जी ने काम किया है? जी सर, काम बहुत अच्छा काम किया बहन जी ने। बहन जी ने मतलब जो वादा नहीं करती है बहन जी, काम करके दिखाती है बहन जी, काम करके जी जी। बहन जी ने सफाई कर्मी दिया, बहन जी ने पुलिस भर्ती निकाला, बहन जी ने महामाया पेंशन दिया, बहन जी ने काशीराम आवास कॉलोनी दिया, तमाम अम्बेडकर जो है मतलब पार्क जो बनवाया बहन जी ने जो काम किया आज तक।